हर घर में एक मेडिसिन होगी जिससे हर आदमी वो औषध से अपनी खुद दुरुस्ती करेगा। अरे इसीलिए औषध गांव ये एक बड़ा पैमाना के रूप में देखा गया है और समग्र भारत में ये गांव एक कुछ करके दिखाएगा। और ये सरपंच श्री वालन साहब है, उसका विजन है कि हर घर में कोई बीमारी ना हो और जो बीमारी आती है वो बिना पैसे से इलाज उसका हो, इसीलिए वो औषध गांव का जो निर्माण किया है। मैं प्राउड फील कर रहा हूँ कि मैं ये डुड़िया गांव का वतनी हूँ। ये औषधि हमने बारमासी है, अश्वगंधा है, ब्राह्मी है, पारिजात है, ऐसे 20 प्रकार की औषधियाँ है जो 20 स्ट्रीट बनी है। गांव की जो 300 घर थे उसकी 20 स्ट्रीट बनाई है, शेरी बनाई है, मोहल्ला बनाया है। जो औषधि है एग्जाम दूँ आपको तो जो तुलसी वन सोसाइटी है तो हर घर में तुलसी दिए गए हैं, तुलसी का पौधा दिया गया है पंचायत की ओर से। जो अश्वगंधा है तो अश्वगंधा में सभी घर पंचायत की ओर से अश्वगंधा का छोड़ दिया गया है। और ये पूरे पंचायत विस्तार, पंचायत का जो एरिया है वो सभी घर में औषधि का एक पौधा और गमला ये पंचायत की ओर से दिया गया है। और इसकी सोसाइटी का नाम, इसका स्ट्रीट का नाम वो औषधि पर से ही रखा है। सरपंच ने जो काम किया देखे, वैसे तो सीसीटीवी कैमरा, स्पीकर और गांव में कई बार औषधि लगाई और सरपंच ने सभी गांव वालों को एक एक घर को पौधा और औषधि दी है। और इस पौधे को अश्वगंधा वो आयुर्वेदिक है जो हमारे आरोग्य में काम लगती है, हमारे आरोग्य में जो जैसे कि एलोवेरा जो हमारे जलने के वो काम लगती है, वैसे हमारे सभी गांव में एक पौधा दिया है और उस पौधे को सभी गांव में एक सोसाइटी का नाम दिया, जैसे कि एलोवेरा सोसाइटी, वैसे वह अश्वगंधा सोसाइटी, ऐसे पारिजात सोसाइटी, सभी सरपंच एक सरपंच सभी गाँव को एक सोसाइटी का नाम दिया है। हमारे सरपंच बहुत ही ऐसा अच्छा काम करने वाले हैं, बहुत सुने नए नए स्कीम हमारे गांव में लाए हैं और अभी एक औषध गांव की एक नया कॉन्सेप्ट लेकर आए हैं और हमारी सोसाइटी में हमारे घरमाला का एक बहुत अच्छा पौधा हमको दिया है और हम इसको अच्छी तरह बड़ा करेंगे और हमारे गांव की और पंचायत का शान बढ़ाएंगे।